गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इरम है। और कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करने का? मेरा है सेवेंथ डे। सेवेंथ डे, इससे पहले कौन सी कार चलाई है आपने? सर अपनी चलाई है निक्सॉन। निक्सॉन चलाई है, ओके। और मेरे पास ऑल्टो भी तो चलाई थी बीच में। अच्छा, फिर आपके नहीं, नहीं मुझे लग रहा है मैंने नहीं चलाई सर, एक दिन भी नहीं चलाई। आप भी वीडियोस चेक कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने दो दिन आया, जो आईपीएस को सिखा रहे थे तो उस टाइम में मैं दो दिन, नहीं नहीं दो दिन आया, मैं ऑल्टो भी लाया हूँ शायद। कलर सेम है इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कलर सेम है गाड़ी का। सीट आगे कर लो। बाकी अभी इस बीच में चार पांच दिन आप नहीं आई, छुट्टी पे थी, तो आपने अपनी गाड़ी चलाई इस बीच में? हाँ सर चलाई है। क्या चलाई है? 10 किलोमीटर से ऊपर। 10 किलोमीटर, अब वेरी गुड। तो मतलब आप कुल मिला के मैं आपकी क्लास कंप्लीट लिख दूँ? नहीं सर, अभी हाँ। नाली की बहुत डांट पड़ी है मुझे। अच्छा, जहाँ पे दिक्कतें आई है टर्निंग में प्रॉब्लम। आज मैं आपको गलियों में चलवाऊंगा, छोटी छोटी गलियों में चलवाऊंगा, देखिए क्या मतलब कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है? चलो अभी क्लच दबा के इंजन ऑन कर लो, सारे अपने साइड मिरर वगैरह, लुकिंग ग्लास वगैरह सेट कर लो, छोटी गलियों में कार को कैसे फर्स्ट और सेकंड गियर में कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है? आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। छोटी छोटी गलियों में बिना एक्सीलेटर गाड़ी चलानी होगी, ठीक है? अभी इंजन ऑन करो। हैंड ब्रेक अनलॉक करो, पहला गियर डालो, बस अभी हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट, ठीक है? हाफ क्लच लेके, हाफ क्लच पे हाँ, और हॉर्न पुश कर दो ताकि सामने से कोई अगर आ रहा हो तो अलर्ट। हाँ, जब भी टर्न करना तो इतनी गाड़ी निकलने के बाद, चाहे लेफ्ट करना हो चाहे राइट करना हो, ठीक है? ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, हमें अभी यहाँ से लेफ्ट पोल को क्रॉस करने के बाद टर्न करना। अब टर्न करो, गुड। बस एक ही राउंड घुमाना होता है, एक से ज्यादा घुमाओगे तो ज्यादा सीधी करनी पड़ेगी। ये एक सीधा हो गया, ठीक है? अभी टी पॉइंट से फिर आपको लेफ्ट जाना है, टी पॉइंट से लेफ्ट, पहले बिफोर बता रहा हूँ 100 मीटर पहले, ताकि चाह के भी कोई गलती ना हो। क्लच को फ्री कर सकते हो, अभी क्लच का रोल खत्म है तो आप क्लच को पूरी तरीके से फ्री कर सकते हो। टर्निंग से पहले 100 मीटर पहले आपको सिग्नल देना है, हॉर्न देना है, ताकि टर्निंग के टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका मतलब कंट्रोल है, वो सिर्फ किस पे होना चाहिए? स्टीयरिंग पे, ताकि गाड़ी जरा सा भी लहराए ना। और अगर एक साथ में कई चीजें करोगे, आप सिग्नल दोगे, हॉर्न दोगे, ब्रेक लगाओगे, तो वहां पे दिक्कत आएगी। टर्न करो फुल 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 फुल, हाँ गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अचानक बाइक वाला आया था फिर भी आपने बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल कर लिया। चलो अभी स्पीड मेंटेन करो इरम जी, स्पीड मेंटेन करो, हाँ। और अब क्लच दबा के सेकंड गियर कर लो, फर्स्ट और सेकंड गियर में चलानी, वेरी गुड। गियर बहुत प्यार से लगाती हैं आप, बहुत गजब का गियर लगाती हैं आप, एक बार भी गियर में जरा सा भी, और कुछ मैडमें तो ऐसा लगता है जैसे गियर उखाड़ के घर ले जाएंगी, सच में इतना ज्यादा उसको हिला डुला देती है। बहुत डांट पड़ती है, मेरी क्लास हस्बैंड लेते हैं, बहुत डांट पड़ती है। हाँ बस फिर सही है, आपका आधा काम वो करते हैं, बस सही है, बहुत बढ़िया। अभी सीधा चलना है, हल्का लेफ्ट आओ, बस अब यहाँ पे ब्रेक पे पैर रख लेना, अब यहीं से फिर राइट जाना है हमें, थोड़ा सा रोटेट है हल्का सा, बस राइट दबाओ, लेफ्ट ज्यादा मत आओ, राइट दबाओ, राइट, कीले हैं कीले हैं, सटरिंग का मटेरियल पड़ा हुआ है, लेफ्ट आओ लेफ्ट, अब यहाँ से दोबारा नहीं आएंगे, बहुत सारी कीले पड़ी हुई हैं, हाँ स्ट्रेट। इन सब गलियों से खतरा रहता है, कभी भी कोई भी निकल सकता है, राइट रखो हल्का, हाँ पतली पतली जो गलियां, लॉन्ग हॉर्न पुश करो और ब्रेक पे पैर रख लो, गाड़ी अपनी लेफ्ट दबा लो हल्का, बस स्लो कर लो, तब तक वो निकल आएगा, स्लो कर लो, हाँ बस, और हल्का लेफ्ट आओ, बस निकल गया, जाओ राइट रखो हल्का, लेफ्ट आओ, राइट दबाओ, राइट राइट, चलो छोड़ो क्लच ब्रेक, गुड, अब वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्टीयरिंग सीधी करो, हाँ जाने दो धीरे धीरे, स्टीयरिंग को जितना लाइट पकड़ोगे उतना अच्छे से इसको आप कंट्रोल कर पाओगे, जितना लाइट पकड़ोगे, ठीक है? अभी टी पॉइंट से आपको राइट जाना है, हॉर्न हल्का सा लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट दबा के फिर राइट टर्न करना, ब्लाइंड टर्न है ना, और पतला रास्ता है, बहुत नैरो लाइन है, वहां पे एक कार भी पार्किंग रहती है लेफ्ट में I-20, और राइट में पोल भी है, एक राइट में पोल भी है, लेफ्ट में I-20 भी खड़ी रहती है, इसलिए थोड़ा नैरो है, थोड़ा आगे जाके, हाँ पूरा क्लच नहीं दबाना, हाफ, चलो छोड़ो, अब देख रहे इधर I-20 खड़ी है, सीधी करो फटाफट फटाफट फटाफट, बस जाओ, देखा
अब यहाँ चढ़ाई भी थी बहुत डिफिकल्ट, एक होता ना डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट, इधर पोल इधर कार इधर चढ़ाई, यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट राइट दबा के बच्चे हॉर्न देके हाफ क्लच लेके थोड़ा सा ब्रेक लेके टर्न करो आराम से, हाँ बस धीरे 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 ये जो गाड़ी सेक कर रही है ना झक 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 झक, वो क्यों कर रही है, क्योंकि गाड़ी है आपकी सेकंड गियर में, अच्छा। गाड़ी है सेकंड गियर में और स्पीड है जीरो की, तो इसलिए वो शेक कर रही है आराम से। हाँ अभी यहाँ टी पॉइंट से लेफ्ट जाना है हमें, टी पॉइंट से लेफ्ट, और जहां आपको डाउट हो कि नहीं यहाँ पे हमें फर्स्ट करना चाहिए तो वहां फर्स्ट कर सकते हो, ठीक है। स्लो टर्न करो, स्पीड ज्यादा थी हिरम जी, यहाँ पे स्पीड आपकी ज्यादा थी, ये देखो ए ए करा ना आपने नागिन डांस यहाँ पे किया ना, कितनी ज्यादा स्पीड थी आपकी, अभी लेफ्ट वाला टायर आपका पत्थर से नीचे उतर जाता, तो आपकी स्पीड क्यों ज्यादा, क्योंकि जब टर्न कर रही थी उस टाइम आपने ब्रेक को यूज नहीं किया भाई, ढलान था ना यहाँ पे, ढलान पे तो हल्का सा ब्रेक लेके नीचे गाड़ी उतारते हैं भाई, स्लोपिंग पे आप हल्का एक्सेलेटर ले सकते हो या विदाउट एक्सेलेटर गाड़ी चढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप डाउन हिल में जा रहे हो तो डाउन हिल में तो आपको फिर ब्रेक पे हल्का सा पैर रखना चाहिए ना, ताकि गाड़ी आपकी झटके से नीचे ना उतर जाए, अगर आप डाउन हिल में ब्रेक नहीं लोगे तो गाड़ी तो गड्ढे में चली जाएगी। हाँ तो ध्यान ही तो देना है, अब यहाँ से लेफ्ट जाना है, हल्का राइट दबा के ब्लाइंड टर्न है, अंधा मोड़ है एकदम, थोड़ा आगे जाके अभी नहीं, अब छोड़ो क्लच ब्रेक, हाँ ये अब सीधी करो, हाँ हल्का सा लेफ्ट आओ, लॉन्ग हॉर्न पुश करो इनको, अब यहीं से राइट जाना है, राइट सिग्नल दो राइट का, थोड़ा लेफ्ट दबा के राइट, हाँ चलो फुर्ती से, वेरी गुड, इससे ज्यादा नहीं, आप स्टीयरिंग बहुत ज्यादा मत घुमाया करो, सीधी करो, जब कम एक राउंड घुमाओगे तो एक ही राउंड में सीधी हो जाएगी, डेढ़ राउंड वहां घुमाने होते हैं जहां पे हमें पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग को यू टर्न करना होता है, हल्का राइट रखो, हाँ। और हॉर्न आप गलत बजाती, जब भी हॉर्न बजाइए तो ऐसे बजाइए, लाइए बताता हूं मैं, लंबा हॉर्न थोड़ा बजाइए, हल्का राइट रखो, हाँ अब लेफ्ट आओ हल्का सा, बस हल्का राइट रखो, राइट राइट और राइट, बस इसको पहले गियर में करो क्लच दबा के, हाँ पहले गियर में करो, नहीं हुआ है, अब यहाँ से लेफ्ट चलना है, सिग्नल दो लेफ्ट का, गड्ढा है आराम से गाड़ी उतारना, नहीं चैम्बर टकरा जाएगा, काफी ऊंचा 3 फीट ऊंचा पत्थर है, टर्न करो फुर्ती से टर्न करो, नहीं तो आगे जाके स्कूटी में टकराएगी, हाँ देख रहे हो ऐसी जगह गाड़ी निकालना, इधर रैंप है जरा सा भी इधर आएगी तो इधर टकरा जाएगी, उधर जाएगी तो गिट्टियों में चली जाएगी, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हाँ राइट खोल का राइट, हाँ राइट बस राइट खोल का राइट, राइट बस जाने दो धीरे धीरे, चलो बढ़ाओ धीरे धीरे, हाँ हाँ सीधा हल्का राइट रखो, चलो इधर स्कूटी को बचाओ, सबसे ज्यादा खतरा किधर से है, लेफ्ट से, बढ़ाओ जाओ रेस करो, हाँ अभी यहां से हमें चलना है राइट, अपना लेफ्ट दबा के राइट, बस जाओ धीरे धीरे आराम से, हाँ बस टर्न करो, हाँ अभी यहीं से लेफ्ट ले लो, टर्न करो लेफ्ट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, हाँ और लेफ्ट आओ, हाँ बस, कहाँ जा रहे हो आप, अब राइट जाने की कोई जरूरत थी आपको, फिर हॉर्न दो इसको, चौधरी साहब लेटे हुए हैं, लंबा हॉर्न बजाइए, अब जागी, आप हॉर्न नहीं सही बजा पा रही हैं, जाओ हट जाएगा वो, लेफ्ट आओ, इन सब छोटी छोटी गलियों में अगर आपने कार चला ली तो आप हर जगह कार चला सकती हैं, समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक गलियों में ही होता है, चौड़े रोड पे तो कोई भी चला सकता है, अब देखो इधर पोल है इधर कार खड़ी, हल्का राइट रखो, कितना सटा के निकाल दिया आपने, लेफ्ट आओ, और राइट में पोल था जो आपके साइड मिरर थे ये टकरा सकते थे, अब राइट दबा के लेफ्ट चलना है, राइट दबा के, ब्लाइंड टर्न है, अब टर्न करो फुल, जल्दी जल्दी घुमाओ जल्दी जल्दी, हाँ गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया, चलो अभी लेफ्ट ही रखो, टी पॉइंट से फिर राइट जाना है आपको,
अपना लेफ्ट दबा के, ताकि राइट साइड से अगर कोई बाइक कार कुछ आ जाए तो उसके लिए स्पेस, और लेफ्ट दबाओ एकदम, लेफ्ट सटा के तब निकालो, हाँ और आगे जाने दो, और अब टर्न करो, पुल से कम 2 फीट गाड़ी आगे निकल जाए उसके बाद। हाँ अभी जाने दो, हाँ उसी को तो बचाने के लिए, अभी और जाने दो, अभी नहीं, अब लेफ्ट टर्न करो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, हाँ अब राइट टर्न करो फटाफट जल्दी जल्दी, हाँ थोड़ा आगे जाके टर्न करो फटाफट, और लेट कर दिया आपने घुमाने में स्टीयरिंग, सीधी करो फटाफट जल्दी जल्दी, स्पीड ब्रेकर है बस। अब पहले गियर में हो तो यहाँ पे गियर बदलने की जरूरत नहीं है, और हल्का सा आपने क्लच लिया, थोड़ा ब्रेक लिया, गाड़ी आपकी निकल गई, हल्का राइट रखो, राइट आप कहाँ, लेफ्ट आओ, सीधा जाना स्ट्रेट, और लेफ्ट आओ, सीधी करो जाओ, अटक नहीं रहा, आपके बजाने का तरीका गलत है, लेफ्ट जाना यहीं से, टर्न करो, हाँ टर्न करो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी, हाँ हल्का सा राइट रखना, थोड़ा राइट दबा के राइट, हाँ बस जाओ, धीरे धीरे स्पीड मेंटेन करो, हाँ गुड, अभी टी पॉइंट से आपको राइट जाना, ये टी पॉइंट से लेफ्ट ले लो, राइट नहीं लेफ्ट, टर्निंग पॉइंट आ रहा है तो पहले खतरा किधर से है, लेफ्ट टू राइट दोनों साइड से, क्योंकि गलियां है ना इसलिए लेफ्ट राइट दोनों साइड से है, कि गलियों में कोई कहीं से भी निकल आता है, अब लेफ्ट टर्न करना स्टार्ट करो, बस इससे ज्यादा नहीं, घूमी रहने दो घूमी रहने दो, और लेफ्ट आओ हल्का, अब सीधी करो, चलो स्पीड बढ़ाओ हल्का, सर मोड़ है तो मोड़ पे एक्सीलेटर लेना सही नहीं होता कि लेना चाहिए, और अगर कंट्रोलिंग है तो आप ले सकते हो, वैसे तो फर्स्ट और सेकंड गियर में ना लो तो ज्यादा ही सही है, थोड़ा सा संकर है, हाँ कोई नहीं, अब यहाँ से लेफ्ट जाना है आपको, सिग्नल हॉर्न, सिग्नल के लिए एक ही फिंगर का यूज किया करिए, क्योंकि अभी मैंने असेंबली चेंज कराई है 2 दिन पहले, वो लग नहीं रहा सिग्नल वाली असेंबली में कुछ चेंजेस, तो पहले कितने खटर खटर हो रही थी, हिल रही थी, राइट रखो, स्टीयरिंग गलत पकड़ लिया आपने, सीधी क्या कर रहे हो मैडम, 3 और 9 पे पकड़ो ना, अभी स्पीड बढ़ाओ, और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर चेंज करो, गियर गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने देखा इरम जी ने आज गलियों में कार को कंट्रोल किया, और बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रही है, फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को ही कंट्रोल कर रही है, अभी तक मैंने क्लच ब्रेक पे एक बार भी पैर नहीं रखा है, और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि गलियों में जिसने चला लिया, गलियों में सारी प्रैक्टिस हो जाती है, नज़रों की, साइड मिरर की, हॉर्न की, स्टीयरिंग की, गियर की, क्लच की, ब्रेक की, हर चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है, सबसे ज़्यादा सीखने को क्या मिलता है, टर्निंग पॉइंट, गलियों में जब हम कार चलाते तो हमें लेफ्ट और राइट की टर्निंग्स बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, कि कितना कार आगे निकलने के बाद टर्न करना चाहिए, कितनी कार आगे निकलने के बाद स्टीयरिंग को वापस सीधा करना चाहिए, और बैक साइड वाले हिस्से को कैसे अपने लेफ्ट और राइट वाले आरवीएम में चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, जय हिंद, वंदे मातरम।